कलेक्ट्रेट में डीएम से शिकायत करने आई महिला की अचानक बिगड़ी तबीयत, पुलिसकर्मियों ने जिला अस्पताल कराया भर्ती। कन्नौज में कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी कार्यालय में शुक्रवार को अपनी शिकायत लेकर आई महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। इस समय गश्त खाकर बेहोश हो गई, जिसके बाद आनन फानन में कलेक्ट्रेट में मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए कन्नौज जिला अस्पताल भर्ती कराया। चिकित्सकों द्वारा महिला का उपचार किया जा रहा है। महिला की पहचान गीता उर्फ शारदा देवी पत्नी अक्षय कुमार निवासी पंतनगर तहसील मैथा जनपद कानपुर देहात के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि महिला शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में सदर तहसीलदार की शिकायत करने आई थी। इससे पूर्व में भी महिला कलेक्ट्रेट में शिकायत लेकर आई थी, लेकिन इस मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया गया। दरअसल सदर तहसील राम शंकर पर मैथा तहसील में तहसीलदार के पद रहते हुए महिला से जमीन की रजिस्ट्री कराने के नाम पर 1,00,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। तबादला होने के बाद पीड़ित महिला का जब कोई काम नहीं हुआ तो उसने तहसीलदार राम शंकर को पीछा करते हुए शुरू कर दिया। इसी सिलसिले में महिला शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम कार्यालय में आई हुई थी, तभी अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। इससे महिला गैस खाकर जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। कन्नौज से सीबू सैनी की रिपोर्ट।